वेलकम स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बिड़ला कॉलेज भवानी मंडी की बोटनी क्लास में। प्लांट टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी के पार्ट फिफ्थ में आज स्टडी करेंगे व्हाट इज लीफ, पार्ट्स ऑफ लीफ, बेयरिंग ऑफ लीफ, फिलोटैक्सी एंड स्टिपुल एंड इट्स टाइप। लीफ प्लांट का ग्रीन फ्लैट एक्सपेंडेड लेटरल पार्ट है जो सामान्यतः नोड पर प्रेजेंट होता है। यह ओरिजिन में एक्सोजिनस होता है जो लीफ प्रीमोडियम के द्वारा डेवलप होता है। लीफ प्रीमोडियम ऐसी सेल है जो आगे चलकर लीफ का फॉर्मेशन करती है। लीफ का फॉर्मेशन एक्रोपिटल मैनर में होता है। सभी ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव्स को संयुक्त रूप से फोलिएज कहा जाता है। एक लीफ के सामान्यतः तीन पार्ट होते हैं, नंबर एक लीफ बेस, नंबर दो पीटियोल, नंबर तीन लीफ लेमिना। जैसे कि डायग्राम में लीफ के तीनों पार्ट का रिप्रेजेंट किया गया है, नंबर एक लीफ बेस, नंबर दो पीटियोल, नंबर तीन लीफ लेमिना। नंबर एक लीफ बेस, ये लीफ का लोअर मोस्ट कुशन लाइक पार्ट होता है जो ब्रांच या स्टेम से लीफ लेमिना को या पेटियोल को जोड़े रखता है। लीफ बेस के द्वारा पॉलिमिनेट लीफ बेस एंड सिटिंग लीफ बेस का फॉर्मेशन किया जाता है। नंबर एक पॉलिमिनेट लीफ बेस, इस प्रकार का लीफ बेस सामान्यतः लेग्यूमिनेसी के मेंबर में मिलता है। इसमें लीफ का बेसल पार्ट फूला हुआ होता है। इस फूले हुए पार्ट को पल्विनस कहा जाता है। यह पल्विनस पार्ट सिस्टमोनेस्टिक मोमेंट एंड नेक्टिंगनेस्टिक मोमेंट में सहायता करता है। सिस्टमोनेस्टिक मोमेंट इस प्रकार की मोमेंट है जिसमें स्टिमुलाई के कारण प्लांट का कोई पार्ट दूर हट जाता है। स्टिमुलाई में इलेक्ट्रिकल, केमिकल, प्रेशर, टच, हीट इत्यादि आते हैं। इसी प्रकार नेक्टिंगनेस्टिक मोमेंट इस प्रकार की रिदमिक मोमेंट है जो डार्कनेस के कारण होती है, इसे स्लीप मोमेंट भी कहते हैं। नंबर दो सिटिंग लीफ वेव्स, इस प्रकार का लीफ वेव्स सामान्यतः मोनोपॉड्स एंड ग्रासेस में मिलता है। इसमें लीफ बेस स्टेम के चारों ओर एक एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यह इंटरक्लेरी मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट करता है। लीफ का सेकंड पार्ट है लीफ पेटियोल या मेसोपोडियम। लीफ का स्टाल्क को लीफ पेटियोल या मेसोपोडियम कहा जाता है। यह सामान्यतः सिलेंड्रिकल या सब सिलेंड्रिकल प्रकार का होता है जो लेमिना को लीफ के बेस पार्ट से अटैच रखता है। इसके अतिरिक्त यह लीफ को स्टेम से उपयुक्त लेवल पर बनाए रखता है जिसके कारण लीफ को सफिशियंट लाइट मिलती है। ऐसी लीफ जिसमें पीटियोल या स्टाल्क प्रेजेंट होता है उसे पीटियोलेट, जबकि ऐसी लीफ जिसमें पीटियोल या स्टाल्क अब्सेंट होता है उसे सेसाइल लीफ कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम ए में पीडियोलेट लीफ को, डायग्राम बी में सेसाइल लीफ को रिप्रेजेंट किया गया है। डायग्राम ए में पीडियोल प्रेजेंट है जबकि डायग्राम बी में पीडियोल अब्सेंट है।
लीफ का थर्ड पार्ट लेमिना या एपिपोडियम, ये लीफ का ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ ट्रांसपिरेशन का भी कार्य करता है। बेयरिंग ऑफ लीफ के बेसिस पर लीफ रेडिकल कोलाइन रेमल एंड कोलाइन एंड रेमल प्रकार की होती हैं। रेडिकल इस प्रकार की लीफ सोइल सरफेस से या ग्राउंड सरफेस से निकलती हुई दिखाई देती हैं, जैसे कि डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। कोलाइन इस प्रकार की लीफ केवल स्टेम पर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। रेमल इस प्रकार की लीफ केवल ब्रांच पर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि रेमल लीफ के डायग्राम में दिखाया गया है। कोलाइन एंड रेमल इस प्रकार की लीफ स्टेम के साथ साथ ब्रांचेस पर भी प्रेजेंट होती हैं। फिलोकैक्सी स्टेम या ब्रांच पर लीफ के अरेंजमेंट को फिलोकैक्सी कहते हैं। यह तीन टाइप का होता है, नंबर एक अल्टरनेट, नंबर दो अपोजिट, नंबर तीन वर्ड। अल्टरनेट इस प्रकार की फिलोटैक्सी में प्रत्येक नोड पर केवल एक ही लीफ प्रेजेंट होती है। इस प्रकार का अरेंजमेंट निम्न टाइप का होता है, नंबर एक डाइस्टिकियस या टूरेंट, ट्राइस्टिकियस या थ्री रेंड, फैंटास्टिकियस या फाइपेंट, ऑक्टोस्टिकियस या फाइपेंट, सॉरी सिक्स रेंट। नंबर वन डाइस्टिकियस या टू रेंट, इसमें फर्स्ट लीफ के ऊपर थर्ड लीफ प्रेजेंट होती है। इनके मध्य केवल एक ही स्पाइरल प्रेजेंट होता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि फर्स्ट लीफ के ऊपर थर्ड लीफ प्रेजेंट है। ट्राइस्टिकियस या थ्री रेंट लीफ, इस प्रकार की अल्टरनेट लीफ में फर्स्ट लीफ के ऊपर फोर्थ लीफ प्रेजेंट होती है। इनके मध्य केवल एक ही स्पाइरल प्रेजेंट होता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि फर्स्ट लीफ के ऊपर फोर्थ लीफ है। पेंटास्टिकियस या फाइब्रेंट लीफ, इस प्रकार की अल्टरनेट लीफ में फर्स्ट लीफ के ऊपर सिक्स्थ लीफ प्रेजेंट होती है। इनमें दो स्पाइरल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि फर्स्ट लीफ के ऊपर सिक्स लीफ प्रेजेंट है। ऑक्टोस्टिकियस या सिक्स रेंट लीफ, इस प्रकार की लीफ में फर्स्ट लीफ के ऊपर नाइन्थ लीफ प्रेजेंट होती है। इनके मध्य तीन स्पाइरल प्रेजेंट होते हैं। नंबर टू अपोजिट लीफ, इस प्रकार की फिलोटैक्सी में एक ही नोड पर दो लीव्स प्रेजेंट होती हैं। अपोजिट लीफ निम्न टू टाइप्स की होती हैं, नंबर एक सुपरपोज्ड, नंबर दो डिफुसेट। सुपरपोज्ड प्रकार की अपोजिट लीव्स में सभी अपोजिट लीव्स के प्लेन एक ही प्रकार के होते हैं, या ये दो वर्टिकल रो में प्रेजेंट होती हैं, जबकि डेकुसेट अपोजिट लीफ में अपोजिट लीव्स की पेयर एक दूसरे पर 90 डिग्री या राइट एंगल पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम ए में सुपरपोज्ड टाइप की अपोजिट लीव्स को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें सभी अपोजिट लीव्स के पेयर एक ही प्लेन में हैं, जबकि डायग्राम बी में
सभी अपोजिट पेयर एक दूसरे के 90 डिग्री पर प्रेजेंट हैं। नंबर 3 वर्ड लीफ, जब एक ही नोड पर दो से अधिक लीव्स प्रेजेंट होती हैं, तब इस प्रकार की फिलोटैक्सी को वर्ड कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि एक ही नोड पर दो से अधिक लीव्स की वर्ल प्रेजेंट है। स्टिपुल, स्टिपुल लीफ या लीफ का स्टॉक के बेस पर प्रेजेंट माइन्यूट ग्रीन स्ट्रक्चर को कहते हैं। कंपाउंड लीफ में लीफलेट के बेस पर प्रेजेंट माइन्यूट ग्रीन स्ट्रक्चर को स्टाइपल कहते हैं। ऐसी लीफ जिसमें स्टिपुल प्रेजेंट होता है स्टिपुलेट लीफ कहते हैं, जबकि ऐसी लीफ जिसमें स्टिपुल एब्सेंट होता है एक्स स्टिपुलेट लीफ कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में लीफ के पेटियोल पर दो माइन्यूट स्ट्रक्चर स्टिपुल को दिखाया गया है, यह लीफ स्टिपुलेट टाइप की लीफ है, जबकि इस डायग्राम में एक्स स्टिपुलेट टाइप की लीफ को रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें स्टिपुल अब्सेंट है। टाइप्स ऑफ स्टिपुल, नंबर 1 लेटरल स्टिपुल। इस प्रकार की स्टिपुल पेटियोल के बेस के एक या दोनों साइड पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। नंबर 2 स्केली स्टिपुल, ये ड्राई स्मॉल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जो सामान्यतः मिलती हैं। नंबर 3 अडनेट, इस प्रकार के स्टिपुल पेटियोलेट के साथ जुड़कर एक विंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। ओक्रिएट स्टिपुल, नंबर 4 इस प्रकार के स्टिपुल इंटरनोड के चारों ओर एक ट्यूबुलर शेप को बनाते हैं। इंट्रापेडियुलर स्टिपुल, नंबर 5 इस प्रकार के स्टिपुल लीफ की एक्साइल में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 6 इंटरपेडियुलर स्टिपुल, इस प्रकार के स्टिपुल अपोजिट लीफ्स के पेडियोल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। फोलिसियस स्टिपुल्स, जब स्टिपुल्स लार्ज लीफलेट स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं, तब इनको फोलिसियस स्टिपुल कहते हैं। स्पाइनस स्टिपुल्स, इस प्रकार के स्टिपुल स्पाइन लाइक होते हैं। कॉन्वोलेट या वेंट्रल स्टिपुल, इस प्रकार के स्टिपुल पेडियोल के वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होते हैं। नंबर 10 और लास्ट टेंडरुलर स्टिपुल, इस प्रकार के स्टिपुल टेंडरिंग लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं। इस प्रकार प्लांट टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी के पार्ट 5 में आज पढ़ा व्हाट इज लीफ, लीफ क्या है, पार्ट्स ऑफ लीफ, बेयरिंग ऑफ लीफ, फिलोटैक्सी एंड स्टिपुल एंड इट्स टाइप।